तारामंडल स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय का स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ कमिश्नर अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर किया। इसके बाद कमिश्नर ने संग्रहालय में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, बौद्ध और महावीर से जुड़ी हुई कलाकृतियों और स्थापना दिवस पर आयोजित चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। समारोह में संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, मूर्तिकार सुनील गुप्ता, कनक हरि अग्रहली, सुनील कुमार सिंह, संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर ने संग्रहालय के कलाकृतियों की तारीफ करते हुए कहा कि वाकई भगवान बुद्ध और महावीर से जुड़ी कलाकृतियों लोगों को ज्ञान से प्रकाशित करेगी। इस अवसर पर कमिश्नर ने कहा, लाइट चालू होती है। नहीं भाई, वो सारी फोटो लगी है। आई है, आई है। तो जिन्होंने आपको सहयोग दिया उनको बुलाइए। और सर, ये हम लोगों का प्रयास होता है कि अलग अलग तरीके से सारों को दिखाएं, तो इनके सेट्स अलग अलग सेट्स उन्होंने कैप्चर किए। सर बल्कि मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ के जो मार्केट्स गलियाँ हेल्पेज अच्छा पड़ी है, उसी पैटर्न से मैं संगम भैया कब से हुआ ही ये राजीव मिश्रा सर थे जब यहाँ पे, तो तब से इन्होंने शुरू किया है। ये हर अकेजन पे, ये रोज तो चलता है लेकिन अकेजन के हिसाब से चेंज हो गया। जैसे अभी ट्री कलर हुआ था तो ये अपना गणतंत्र दिवस, फिर वुमेन्स डे आया था तो उसमें पिंक पूरा किया था इन्होंने। और और इस पॉइंट सब बच्चे इसके क्यों 2.5 लाख में बचा हुआ है। हाँ, 2.5 लाख में पूरी हिस्ट्री को समझने का जी कॉम्पिटिशन की तरह से चूज किया गया ताकि सारी चीज़ें चूज देखिए। बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर शहर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है और इसमें जो हमारे पौराणिक काल में और इवन बौद्ध काल में, ब्रॉन्ज एज में, कॉपर एज में काफ़ी ऐसे हमें चिन्ह मिले हैं, प्रोडक्ट्स मिले जिसको यहाँ संयोजा गया है और ये काफ़ी आकर्षक हमारा केंद्र है, संग्रहालय है और काफ़ी ज्ञानपरक भी है। और आज यहाँ पे बच्चों ने अपनी पेंटिंग और रंगोली भी करी है तो वो भी हमने देखा, तो आज बहुत अच्छा सुंदर आयोजन हुआ।